हे फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 3 डेटा हैंडलिंग. सो लेट्स स्टार्ट विद द एक्सरसाइज. दिस इज एक्सरसाइज नंबर 1 एंड लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1. फाइंड द रेंज ऑफ हाइट्स ऑफ एनी 10 स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास. हमें हाइट्स की रेंज निकालनी है ऑफ एनी 10 स्टूडेंट्स. हमारे क्लास के कोई भी 10 स्टूडेंट्स की हाइट्स की रेंज निकालनी है. So let's start. For example, किसी की height 121 centimeters है, किसी की 133 centimeters है, किसी की 124 centimeters है height, किसी की 123 centimeters, 127 centimeters, 132 सेंटीमीटर्स, 128 सेंटीमीटर्स है किसी की, 130 सेंटीमीटर्स है, 120 सेंटीमीटर्स है किसी की, 133 है किसी की, फॉर एग्जांपल. ओके, सो अभी हमें रेंज निकालनी है. तो हम रेंज कैसे निकालते हैं? हम हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू. तो इसमें भी हम वैसे निकालेंगे, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट. ओके, सो लेट्स पुट द वैल्यूज. सो हाईएस्ट क्या है? 133 सेंटीमीटर्स इज द हाईएस्ट. एंड लोएस्ट कितना है? 120 सेंटीमीटर्स. सो लेट्स सॉल्व. 133 माइनस 120 विच इज 13 सेंटीमीटर्स. सॉरी, 13 इज द रेंज. रेंज इज इक्वल टू 13. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग मार्क्स इन अ क्लास असेसमेंट इन टैबुलर फॉर्म. ओके, सो वी हैव टू अरेंज दीज मैनी नंबर्स इन अ टैबुलर फॉर्म. सो लेट्स अरेंज इट. दीज आर द नंबर्स. और जो टैबुलर फॉर्म था वो ये है. अ टैबुलर फॉर्म मेनली कंसिस्ट्स ऑफ मार्क्स, टैली एंड फ्रीक्वेंसी. ये तीन मेजर हैं जो कि हमेशा ही रहेंगे टैबुलर फॉर्म में. अगर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है टैबुलर फॉर्म, तो आपको सिंपल सा ये बनाना है. ओके, लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग दिस. ओके, तो मार्क्स इसलिए लिखा है क्योंकि क्वेश्चन में भी दिया है कि मार्क्स है ये बच्चों के. तो ये मार्क्स है सबके. तो सबसे पहले 1 to 9 लिख लेंगे हम नंबर्स, क्योंकि यहाँ पे 1 to 9 सभी नंबर्स हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. Okay, so let's see how many times it occurs. So 1 कितनी बार आया है? 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. यही है सिर्फ 1, ओनली 1. फ्रीक्वेंसी में हम नंबर्स लिखते हैं और टैली में हम ऐसे लिखते हैं. ओके, अभी सेम लग रहे हैं, मैं यहाँ पे ऐसे कर देती हूँ. और टैली में हम स्टैंडिंग लाइन रखते हैं सिर्फ. ओके, सो 2 कितनी बार आता है? 2, 2, 2, 2. ये एक 2 है, दिस इज़ 1, 2 एंड दिस इज़ 1, 2. सो देर आर 2 2s, 1 and 2. 3 देखते हैं, 3 कितने बार है? 3, 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 3. ओके, सो देर इज़ ओनली 1, 3. 4 देखते हैं, 4, 4, 4, 1, 4, 2, 4 एंड 3, 4. देर आर 3 4s, 2 and 3. देन देखते हैं 5 कितने बार आता है? 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम,
एंड फाइव टाइम्स। तो फाइव हम कैसे लिखते हैं टैली मार्क्स में, 1 2 3 4 एंड अ स्लैश। ओके, फाइव देन सिक्स, वन देन 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 टू थ्री एंड फोर, फोर इज सिक्स, वन टू थ्री एंड फोर। सो नेक्स्ट सेवन देखते हैं कितनी बार आता है, वन 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 एंड टू। एट देखते हैं, वन एट 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 इज वन टाइम यहाँ पे। देन नाइन देखते हैं कितनी बार आता है, नाइन 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 भी एक ही बार आया है। ओके, सो दिस इज़ आर टैबुलर फॉर्म। अभी इनके कुछ क्वेश्चंस हैं, सो लेट्स अटेम्प्ट दीज ऑल्सो। विच नंबर इज़ द हाईएस्ट कौन सा सबसे हाईएस्ट नंबर है, तो हम मार्क्स में देखेंगे, मार्क्स में हमें पता चल जाएगा। वन इज़ द हाईएस्ट नंबर, नो, और भी नंबर्स हो तो सबसे हाईएस्ट क्या है, नाइन। सो द आंसर इज द हाईएस्ट नंबर इज नाइन। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट इज विच नंबर इज़ द लोएस्ट, सबसे कम नंबर कौन सा है, ये द लोएस्ट नंबर इज एट। ओके, थर्ड पार्ट, व्हाट इज़ द रेंज ऑफ द डेटा। हमने पिछली क्वेश्चन में देखा था कैसे रेंज निकालते हैं। सो रेंज इज़ इक्वल टू हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। सो हाईएस्ट इज़ व्हाट, नाइन, लोएस्ट इज़ व्हाट वन, लोएस्ट नंबर इज वन नॉट एट। सो दिस इज़ नाइन माइनस वन विच इज़ एट, रेंज इज इक्वल टू एट। देन फाइंड द अरिथमेटिक मीन। सो व्हाट इज मीन, बेसिकली हम अभी देख लेते हैं कैसे मीन को कैसे सॉल्व करते हैं। फोर्थ, सो मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ओके, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज व्हाट, कितने टाइम, ये आप यहाँ से देख सकते हो, दिस विल बी ईजियर। ये जो आपको नंबर्स दिए जाते हैं इन सबको आप ऐड करेंगे तो आपको सम मिल जाएगा। सो लेट्स फाइंड द सम। सो लेट्स सम दिस, 4 + 6 + 7 + 5 3 5 4 5 2 6 2 5 1 9 6 5 8 4 6 and 7, इन सब को जब हम प्लस करेंगे ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 100। ओके, सो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस इज 100 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and 20, सो 20
So it is basically 0 0. It is 100, no? 0 0 and 2 5. 5 is the answer. 5 is the mean. मैथमेटिक मीन को हम मीन भी कह सकते हैं या फिर एवरेज भी कह सकते हैं. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 5 होल नंबर्स. हमें मीन निकालना है लेकिन फर्स्ट 5 होल नंबर्स. अभी आप सोच रहे होंगे कि 1 to 5 लिख देते हैं, लेकिन नहीं, दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर. होल नंबर स्टार्ट फ्रॉम वेयर? होल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 0. सो 0 1 2 3 and 4. 1 2 3 4 and 5. तो ये टोटल 5 नंबर्स हो गए, लेकिन ये हैं होल नंबर्स. अब यहाँ पे अगर हमें दिया होता कि नेचुरल नंबर्स, तो फिर हम 1 2 5 लिख देते, सिंपल. बट यहाँ पे क्योंकि होल नंबर्स दिया है, तो हम 0 से स्टार्ट करेंगे. करेक्ट. So let's find the mean. 4 plus 3 plus 2 and plus 1. So what is the answer? 10 is the correct answer. So sum of all divided by number of observations. So 10 divided by number of observations, which is 1 2 3 4. 4 and 0 0. हम ऐड करें ना करें, इट्स सेम ओनली. तो इसलिए नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 5. 5 1 5 5 2 10. सो द आंसर इज 2. 2 इज द मीन. आज के लिए इतना ही. मिलते हैं विद सम मोर क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय.